रुषिया राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुतिन को भेटिले भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। क्रेमलिन रे पुतिन और जयशंकर मध्य भेटघाट होती अवसर में जयशंकर जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुषिया निमंत्रण कर पुतिन। आगामी वर्ष मोदी को रुषिया देखा चाहूबा पुतिन कहते दुई नेता उपस्थित अनेक प्रसंग में आलोचना होती। भारत और रुषिया मध्य अर्थनैतिक विकास किभली आहरी आगक बढ़े जोर देते जयशंकर। युद्ध समय रे भी 2023 रे दुई देश भितर अर्थनैतिक स्थिति रे अनेक सुधार आसी 2024 रे भी एक विकास धारा जारी जयपुर गुरुत्व देखते पुतिन और जयशंकर। यह अवसर में रुषिया और युक्रेन मध्य लगी युद्ध स्थिति नहीं आलोचना कर तेज यार भितर आम देखुचे जो भाव में रुषिया और भारत संपर्क अच्छी क्रेमलिन में पुतिन और जयशंकर मध्य जो भेटघाट होती चर्चा। गोटे पटे दीर्घ पाखापाखिपर वर्षे देढ़ वर्ष दुई हो गलातर युद्ध चली युद्ध भितर रुषिया राष्ट्रपति पुतिन को भेटी भारत वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर जहां नहीं कहीपर गोटे प्रकार चर्चा आरंभ कूटनैतिक स्तर में ये गोटे पटे रुषिया को सीधासलख जदि भारत समर्थन करूना कि विपक्ष में भी जाऊना तेणुक नीरव रही निरपेक्ष रही भारत। समरेन्द्र बासा आम सहित अच्छा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ श्रीजुक्त बासा स्वागत आपंक आप देखते लगातार भाव युद्ध भितर भारत और रुषिया संपर्क कथा कह जो भाव में भारत विरोध भी करूना कि सपोर्ट भी करूना युद्ध को कितु आप देखते क्रेमलिन में पुतिन जयशंकर भितर भेटघाट भितर पुतिन कहते से चाहते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रुषिया को जातु बोली अर्थात कौन सूचाऊ देखो भारत रूस रो संपर्क जमी आम देखी जयशंकर वक्तव्य लास्ट पांच दशक अर्थ पचास वर्ष ऊर्ध है संपर्क भितर स्थिरता रही कौन प्रकार राजनैतिक संकट आसी राजनैतिक दल मान भितर नेता बदल किंतु संपर्क में कौन प्रकार खटास आसी ना एक जयशंकर को कहवा कथा वास्तविक बायलेटरल डिस्कशन में लाव्रोव से कथा को उल्लेख करते आगामी दिन में आम जो बिजनेस रिलेसन रखीचु रशिया सहित ताकि डेभलप हम परमाणु रिलेसन रही रक्षा उपर कह बर्तमान लास्ट इयर जब देखा बिजनेस को ट्रेड रिलेसन को से 50 बिलियन एबोव आमर ट्रेड होती इंडिया और रशिया भितर एवं कमिंग इयर रे ताहा आहरी बढ़ जयशंकर दावा करते तेणु रशिया भारत जो रिलेशनशिप भितर जो आम देखु सबुठ दुईट बड़ देश भितर जो रिलेशन अच्छी या भितर युद्ध कथा जमी आप सूचना दूसरे रशिया युक्रेन युद्ध हो चाहे अन्य पश्चिम एशिया युद्ध स्थिति कथा हो सबु भारत गोटे न्यूट्रलिटी मेंटेन करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखी न्यूट्रलिटी रोल थी भारत तेरे वर्तमान रशिया को मध्य से विरोध करनी कि सपोर्ट करनी युक्रेन को सामान और मोदी जो द्विपक्षीय कथबार्तार बाली समिट्रे पुतिन को सीधासलख युद्धर समय नुहे तेणु से थर्ड पार्टी मीडियासन कथा कहते सीज फायर कथा कहते अर्थात युद्ध को उसुकैवा नीति भारत के भी रही ना एथिरे न्यूट्रलिटी मेंटेन करी जो रिलेशनशिप रो आम देखु वर्तमान गोटे गोटे पाया चढ़ी आज पांच दशक भितर जो सब संपर्क सुधार आसी आहरी आग को बढ़ जो शुभवाणी भविष्यवाणी करते पुतिन कारण आगामी 24 रे रशिया भी इलेक्शन अच्छी भारत में भी इलेक्शन अच्छी तेणु पुतिन आशा करते नरेन्द्र मोदी आगामी 24 रे प्रधानमंत्री ही आसतु मुझे मो पाख को रशिया को निमंत्रण करेस्ट हिसाब से स्पेशल गेस्ट हिसाब से नरेन्द्र मोदी को तेणु एनापड़ी राष्ट्र मुख्य आउ राष्ट्र मुख्य को इनवाइट करवा अर्थ निर्वाचन में जितने आशा प्रकाश करवा अर्थ डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप आउ कि नुह श्रीजुत बासा आप देखते युद्ध जारी रही है भितर दुई वर्ष बीती गला जदिव पुतिन वर्तमान समय कहींपर कौन देशर कथा शुणुना कि अंपटे आप देखते जिते भारत कथा आसे पुतिन सम्मान दिखती प्रधानमंत्री को आप देखते दुई देश मध्य अर्थनैतिक स्थिति में सुधार आसी अर्थात जो भारत जो भाव में कूटनैतिक संपर्क सबू देश सहित बजाय रखुच्छी और रुषिया कथ कहतु जदिव एारत को अन्न्य देशों समालोचना होगा पड़ी कि सत्वे भारत निजर स्टैंड क्लीयर रखी obviously ग्लोब रे जो रेपो कथा आपण कहिबे वर्तमान देखंतु पास्ट इंडिया को देखिबा एवं प्रेजेंट इंडिया को देखिबा वर्तमान वर्ल्ड रो रेपो रे जियोपॉलिटिक्स रोल रे सबुथिरे भारत रो अहम भूमिका रहूची एवं रशिया जेमिति कहा कथा सुणुनाय केमिति आपण कहिले भारत रो कथा सुणुची बा भारत रो कथा को से सम्मान दिए संपर्क को सम्मान दिए एवं बायलेटरल डिस्कशन भितरे आमे देखिलु ट्रेड कथा देखिलु आमे वेपनरी कथा देखिलु न्यूक्लियर कथा देखिलु एवं वर्तमान वेपन डेवलपमेंट रे मध्य जो रिमेक कथा आमे कहू छु मेक इन इंडिया पॉलिसी रे मध्य शामिल होबा पय जाउछन्ती तनो ए सब केस रे वर्तमान भारत
ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟର ଏପରି ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଭାରତ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କର ସୁଧାର ଆସିଛି ତାହା ଆଜିର ନୁହେଁ। ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଫିଫ୍ଟି ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ନେନ୍ଦେନ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ।